राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में अनुज और अनुपमा के प्यार के पर्चे बटने वाले हैं और अनुपमा को खुद नहीं पता, लेकिन अनुज को अनुपमा पर शक होने लगेगा और बाकी की कसर पूरी कर देगी छोटी। जबकि ये रिश्ता में रूही ने घटिया चाल चली है। अब अबीरा की आंखों के सामने ही वो उसके पति अरमान के साथ रोमांस करने वाली है। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान के अंदर का पति जाग गया है, क्योंकि सभी ने उसके नाम की गोली अपने सीने पर जो खा ली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले प्लेन में बैठते हैं और अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुपमा की जिंदगी में क्या हुआ है। अनुपमा में अनुपमा का हाल बहुत बेकार है और उसे बार बार छोटी और अनुज की याद जो सता रही है। बेचारे को होश नहीं है कि वो क्या कर रही है। अब अनुपमा का दुख बीजी और दीपू से भी नहीं देखा जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज भी परेशान है और वो श्रुति को कुछ पता भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो दोबारा अनुपमा का नाम लेकर छोटी को नाराज भी नहीं कर सकता। दोनों बेचारे एक दूसरे से मिलने के बाद से ही रो रहे हैं। आज होता ये है कि अनुपमा का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन खुद को संभालने के लिए अनुपमा फैसला लेती है कि वो अनुज और छोटी के बारे में कुछ नहीं सोचेगी। अब अनुपमा काम में लग जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज भी परेशान है और किसी से अपने मन की बात कह भी नहीं पा रहा है। लेकिन श्रुति ज़बरदस्ती उससे पूछती है, लेकिन बेचारा छोटी की वजह से सच ही नहीं बोल पाता। अब छोटी से अनुज ने कह दिया है कि भाई श्रुति को अनुपमा के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, जिसके चलते अनुज श्रुति को किसी के बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं अनुपमा को अभी तक इस बात के बारे में नहीं पता चला है कि अनुज और श्रुति एक साथ में रहते हैं और दोनों की शादी भी होने वाली है। ऐसे में श्रुति अब अनुपमा को फ़ोन मिलाती है और अनुज से बात करने के लिए फ़ोन पकड़ा देती है, तो अनुज फ़ोन पर बात नहीं कर पाता। अब अनुपमा की आवाज़ सुनकर अनुज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकी घटियापन कर रही है। अब वो टीटू को फंसाने के लिए चाल फेंक रही है, लेकिन टीटू को समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब भाई देखो, टीटू को डिम्पी के करीब रहना है, तो वो पाकी की सारी बात मान रहा है। लेकिन अब डिम्पी को जलाने के लिए पाकी टीटू से लिपटने तक लगी है और डिम्पी भी देख लेगी। अब टीटू समझ नहीं पाएगा और डिम्पी को खूब बुरा लगेगा। अरे पाकी ने अपने स्टोर का एम्बेसडर टीटू को बना लिया है और वो उससे शादी भी करना चाहती है, क्योंकि टीटू अब भाई बड़ा नाम हो गया है और पाकी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। जबकि ये रिश्ता में खूब सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। अब रूही ने तो सारी हदें पार कर दी हैं और अरमान से चिपकने का एक मौका नहीं छोड़ती। अब तो वो सबके सामने ही अबीरा को साइड करके अरमान के साथ डांस करने वाली है। ये बात अबीरा को बहुत बुरी लगेगी और फिर उसे खटक जाएगा कि दोनों के बीच कुछ तो है। तो वहीं दूसरी तरफ चारू का भांडा भी फूटने वाला है। आज होता ये है कि जहां अरमान धीरे धीरे करके अबीरा को पसंद करने लगेगा, तो वहीं रूही अरमान को अबीरा से दूर करने की कोशिश करेगी। सीरियल की शुरुआत में ही अरमान अबीरा का साथ देते हुए दादी सास से कहेगा कि वो उसे अपने साथ खाना खाने दे, क्योंकि अकेले खाना खाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अबीरा उसे समझाएगी कि वो दादी सास की बात मान ले और सबके साथ बैठकर खाना खाए। अब अरमान अबीरा की बात मान भी जाएगा। इसके बाद सब लोग पार्टी में जाने की बात होगी, जहाँ अरमान को अपनी पत्नी के साथ जाना है। अब मनीषा मजाक बनाती है कि भाई अबीरा के पास तो कपड़े ही नहीं है। अब अबीरा भी मना कर देती है कि वो पार्टी में नहीं जाएगी। अब सब लोग अरमान को तैयार करने में लगे हैं। अब अरमान क्या पहनेगा पार्टी के लिए? ऐसे में अबीरा उसे सफ़ेद शर्ट निकाल कर दे देगी, वो उसे पहन भी लेगा। लेकिन रूही गुस्से में आकर उसकी जानबूझकर उसकी शर्ट पर रंग गिरा देगी। बाद में अरमान रूही की पसंद की ही ब्लू कलर की शर्ट पहन के जाएगा। अब अबीरा को पहले अजीब तो लगेगा, लेकिन वो अरमान को खुश करते हुए कहेगी कि वो उसके साथ पार्टी में चलेगी। अब अबीरा पार्टी में जाने के लिए बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनेगी, इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ चारू को भी उसी पार्टी का न्योता मिला है। अब बेचारे छिपते छिपाते पार्टी में पहुंचने वाली है, लेकिन इस बार चारू का सच सबके सामने आ जाएगा। इसके अलावा रूही को बुरा लगेगा कि अबीरा कैसे अरमान के साथ पार्टी में जा सकती है। अब रूही भी पार्टी में पहुंच जाएगी और अबीरा को साइड कर अरमान के साथ रोमांटिक डांस भी करेगी। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी का गृह प्रवेश हो गया है और सुरेखा को सदमा लग गया है। लेकिन शो में बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि सभी और रीवा दोनों ही एक साथ भोसले परिवार में रहने वाली हैं। एक तरफ पहला प्यार तो दूसरी तरफ पत्नी, मतलब आपको रोज ही ड्रामा देखने को मिलेगा। और बाकी की कसर सुरेखा पूरी करने वाली है, क्योंकि उसकी चालों का मुंह तोड़ जवाब सभी देने वाली है। आज होता ये है कि सभी को गोली लगी है। अब ईशान इस शादी को सच भी मानने लगा है। अब सभी ने ईशान की जान बचाने के लिए खुद के सीने पर जो गोली खाई है, अब बेचारा ईशान और ज़्यादा गिल्ट में डूब गया है, इसलिए वो पूरे परिवार से सभी के लिए लड़ने भी वाला है।
ईशान सभी को गोद में लेकर एंट्री करेगा आज और भयंकर ड्रामे के बीच ईशान और सभी का गृह प्रवेश भी होगा। सभी और ईशान को साथ देखकर परिवार के लोग चिढ़ जाएंगे। वहीं ईशान सभी का पहले इलाज करवाएगा। अब होश में आते ही सभी को पता चलेगा कि ईशान की शादी उसकी वजह से टूट गई है। अब सभी फैसला करेगी कि वो ईशान की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। ऐसे में सभी मौका पाते ही ईशान के घर से भागने की कोशिश करेगी, लेकिन ईशान सभी को कहीं नहीं जाने देगा। अब ईशान सभी को याद दिलाएगा कि भाई वो भोसले खानदान की बहू है और उसे परिवार के इज्जत का ध्यान रखना होगा। ऐसे में बेचारी सभी चाह कर भी कहीं जा नहीं पाएगी। अब रीवा भी भोसले परिवार में रहने के लिए आ गई है और वो अपनी माँ के साथ कहीं नहीं जा रही। अब रीवा कहेगी कि ईशान ही उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा, तभी वो जाएगी। लेकिन बेचारा ईशान ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो रीवा के रहने का विरोध जरूर करेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।